हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ पोन्स सनस्क्रीन, नॉन ऑयली सनस्क्रीन का। दिस इज़ द क्रीम और ये आती है विद SPF 50 PA++ के साथ एंड UVA UVB प्रोटेक्शन है इसमें। साथ ही ये नॉन ऑयली फॉर्मूला के साथ साथ आती है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। चलिए इसकी सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो इसकी प्राइस 169 रुपीज़ है। मैंने यहाँ छोटी पैकेजिंग ली है इसलिए मुझे 169 रुपीज़ ही मुझे इसके पे करने पड़े। और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। साथ ही इसमें ना बड़ी पैकेजिंग भी आती है जिसकी अप्रोक्स 70-80 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है। एंड इसकी क्वांटिटी है 35 ग्राम। ये छोटा है, ट्रैवलिंग पर्पज से अच्छा है। बट अगर आप बीच पे जा रहे हैं या वेकेशन में मतलब थोड़ा सा गर्म प्रदेश में जा रहे हैं ना, तो आपको इसकी बड़ी पैकेजिंग ही परचेज करनी चाहिए, छोटी नहीं परचेज करनी चाहिए। बिकॉज आप अपने हैंड्स, बॉडी और फेस पर अप्लाई करेंगे और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अब अनादर बात करें, इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। और ये ना बेसिकली इस तरह के लिड फॉर्मुलेट में आता है। आप देख सकते हैं इस तरह का इसका लिड है, इसे ओपन कर सकते हैं। एंड इसकी ना फ्रेगनेंस बिल्कुल पोन्स की सिग्नेचर फ्रेगनेंस की तरह है और मुझे पोन्स की सिग्नेचर फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मुझे तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगी है। और साथ ही इसका फॉर्मूला मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगी। इसका फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला। यू कैन सी बिल्कुल नो कलर, इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं है, बिल्कुल वाइट है। यू कैन सी एंड बिल्कुल अच्छे से। और सबसे खासियत बात क्या है पता है इसकी, कि ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाती है ना आप इससे, और ब्लेंड होने के साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करती है। मैं इसे मैंने बहुत टाइम एक्चुअली जब मैंने लिया था ना तब 10 से 12 दिन इसे यूज़ किया था। उसके बाद मैंने अनादर उस पर सनस्क्रीन पर स्विच कर दिया था क्योंकि मैंने फ्रिक्वेंटली सनस्क्रीन्स परचेज़ किए हैं तो मुझे 1 by 1 सभी को यूज़ करके, टेस्ट करके और उनका रिव्यू करना था। सो दिस इज़ द सनस्क्रीन। और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है और बिल्कुल नॉन स्टिकी है और बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है। और हाँ, इसे सेट होने के लिए आप 10 से 15 मिनट दें, ज़रूर दें। उसके बाद आप इसके ऊपर अच्छा सा बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र या फिर फेस पर आप इसे 15 मिनट बाद लगाने के बाद अपना अच्छा सा क्रीम यूज़ कर सकती हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं। बट हाँ, आप जब भी धूप में निकलें तो उससे पहले 15 मिनट पहले या फिर कोई भी अनादर क्रीम लगाने से 15 मिनट पहले ज़रूर इसे अप्लाई करें और कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप ज़रूर दें, तभी ये बेटर रिज़ल्ट आपके साथ परफॉर्म करेगा, बेटर रिज़ल्ट आपको देगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप बहुत एक्सट्रीम धूप में निकल रहे हैं ना तो आप इसकी 2 लेयर्स लगा सकते हैं और ईच लेयर के बीच में 15 मिनट का गैप तो आपको देना ही है। सो ओवरऑल और इसमें 50 SPF है तो दैट वाज वेरी वेरी नाइस थिंग बिकॉज पोन्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी स्किन फ्रेंडली अच्छे होते हैं। और इसका 30 SPF 30 के साथ भी प्रोडक्ट आता है, आप चाहें तो वो परचेज़ कर सकते हैं। उसका चैनल मैंने उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अभी इन दिनों अगर आप कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसे ज़रूर परचेज़ करें। आप बिल्कुल इससे आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, आपको प्यार हो जाएगा इस प्रोडक्ट से। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसे फेस पर, नेक पे, हैंड्स पे दोनों तीनों तरीके से इस्तेमाल किया है। सो ओवरऑल दिस इज नाइस प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली। और अभी इन दिनों तो गर्ल्स के पास, गर्ल्स नहीं, इसे गर्ल्स बॉयज़ सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। सो सभी के लिए ये प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मस्ट हैव प्रोडक्ट है फॉर एवरीवन। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।